उनका घर जाएगा, उनका जमीन जाएगी, उनकी पूरी पुरखों तक जो है वो खराब हो जाएगा। ये हम एकदम से कमिटेड हैं इस पर, और इसमें हम एक सूत पीछे हटने के लिए तैयार हैं। अब जब आप हेरोइन या ब्राउन शुगर या कोकेन आता है बाहर से, वो तो जहर है। होलसेल डीलर्स जो हैं, जिन लोगों ने करोड़ों कमाया है, उन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे, उन्हीं के ऊपर हमला करेंगे। नार्कोटिक्स जो है पार से भेजा जा रहा है, और पहले जो है वो यहाँ पे लोकल लेवल पे चरस बरस चलता था, वो इतना हानिकारक नहीं था। अब जब आप हेरोइन या ब्राउन शुगर या कोकेन आता है पार से, वो तो जहर है, और उसी जहर को बेच के फिर लोगों की पैसे से लोगों को मारने का जो सिलसिला है और ख़राब करने का सिलसिला है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं होगा। इसमें जो भी मुलव्वस पाया जाएगा, उसमें पुलिस के अंदर या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या सोसाइटी के कोई भी हिस्से में अगर कोई भी किसी भी तरह से बंदा फैसिलिटेट करने का हमें कोई भी आवास मिलेगा, कोई भी सबूत मिलेगी, हम समझते हैं कि हम उसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई करेंगे, और इस कार्रवाई में कहीं पे भी पूरी चेन में हम हटेंगे नहीं पीछे। खासकर जो सोच रहे हैं कि पैसा बना के बड़े बड़े घर बना के और गाड़ी घोड़ा बना के वो इससे निकल जाएंगे, वो हम उसी पर ही अटैक करेंगे। हम पेडलर्स के ऊपर और छोटे रिटेल बेचने वालों के ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे, हम वो होलसेल डीलर्स जो हैं, जिन लोगों ने करोड़ों कमाया है, उन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे, उन्हीं के ऊपर हमला करेंगे, उनके ऊपर इनकम टैक्स से लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से लेकर हमारी NIA से लेकर SIA से लेकर जिला पुलिस सबों की ताकत इकट्ठा करेंगे उन्हीं लोगों के खिलाफ। उनको हम तहस दहस कर देंगे। हम ऐसा एक मॉडल नहीं बनाना चाहते हैं जहाँ पे लोग आदमी देखे और कहे अच्छा ये नार्कोटिक्स में धंधा करता था तो देखो कितना बड़ा मकान बना लिया, कितनी गाड़ियाँ खरीद ली और कितने जगह पे बाहर जाके वो कर लिया और कितना मतलब कहीं से कहाँ पहुँच गया। ये मॉडल हम ख़त्म कर देंगे। इसमें हाथ देने वाला चीज़ जो है वो उनका घर जाएगा, उनका ज़मीन जाएगी, उनकी पूरी पुरखों तक जो है वो खराब हो जाएगा। ये हम एकदम से कमिटेड हैं इस पर, और इसमें हम एक सूत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं।